हाँ नहीं तो हमारा के होके था सयान राजा जी एक बात का भया छोड़ा की जन करा पर आई हमार आ गई बुढ़ाई हमके बहकावा बूढ़ा हमरे लग आवा हमके बहकावा बूढ़ा हमरे लग आवा हमके बहकावा बूढ़ा हमरे लग आवा कहा तुम की बूढ़ा माई के कह जला वार दिमाग खराब हो गल हो यही के कह जला कहे के ना चाहिए लेकिन कहल जला कि हिंदू के पुरनिया पगला जाना जब बूढ़ा होलन तब हालत इनकर हो झूठ ना बोलो तनिको झूठ ना बोलो ए लिए कि सब नून जानेला केहू कौन सामान कही कि का हो सामानवा कहाँ बा तो पट सुना यह सब लोग कहला कि हरजा हमारे बुढ़िया से मांग लिया घर में हो ये ना कहला तो माई कर सुना वाला बुढ़िया का बुढ़िया का अर्थ सही में होला मेहरारू लोग कह देना बात के कि जा हमारे बुढ़िया से मांग लिया घर में बा एक मतलब थोड़ा गल कि जा हमारे माई से मांग लिया घर में बा तो हम तो क्या बूढ़ समझत हैं तो ई मतलब नहीं कि हमारे तुम्हें राज बैठा हम तो मऊज ले बदे कहली पिता तुल्य हवा गुरु के समान हवा लेकिन ठीक है भाई हमार मैया हवा तू कौन बात ना बा यहाँ जो गाना बजाने के बाद बा हम माई ना समझत ही तुहके हम माई ना समझत हई हम समझत कहा तुहके कि अरे जानी हम के बहकावा तनी एक हमारे लग आवा हमारे लग अरे रतिया का निकाल ले पीसान राजा जी तनी हमारा जो होके दाता राजा कोनो गलती भी हो सकत बा और तुम लोग फैले बा बड़ा जोर से ता एक टेप मत करा दूसरे प्रोग्राम में कभी टेप कर लिया लेकिन यहां सुना आप कहलन है कि मोर में तो घुसेला हम एक बात बड़ी ऊंची कह देनी कही के लोग कहलन कि हिंदू के पुरैया पगला जालन तो ये पागल हमन की काम हम समझ नहीं पावत बाटी लेकिन हम इनके अपन गुरुवक समान मानी ला लेकिन कहीं कहीं पायलट तनकर रगरू दे कि अगर गुरु से न सीखी गुरु के ना खराम पटकी तो के पटकी अब यहाँ तो दुश्मन है एक तरह से अरे हम डराई ना बता देते ऐसे गवले में भी ना डराई अब बजले में भी ना डराई खाली वही काशी जाके छोड़ करके अगर उन रहा तो तेरे पार्टी में जितना जाना सब लोग फरियाल हमसे अकेले आके कहो भैया के आते वाला है क्यों लेकिन मास्टर हम तो खाली कहते उनकी गोकुल हो भैया तो भैया गोकुल हम और दूसरे के बाद कासिम भैया के छोड़ करके और सबका फरियाद देवे कब पांचों चारों जाने के एक जाने खाली छोड़ करके लिए सबके लोग कहो लेकिन जैसे चापे लग रहा तो चापी देव छोड़ बोरा करो सुना गाना एक बात ही गलती कभी लग कहती ना कहते उनकी मोर में तोड़ घुसेला बात तो जगह कर तो तोर मने बताऊना कि रहर होले लेकिन तोर मने रहर ना होले सरसों होले सही है ना अब हम जीत गए नहीं ना अच्छा सुना हल्ला मत करा देखा एक ठिकाना सुना हमसे एकदम नया नया घटना हो नहीं नहीं तर्ज और नई नई तर्ज तर्ज तैसन सुना दी हम की अरे रुका एकदम नया गाना सुना होती तर्ज तैसन सुना दी के भाई अब इनके तो ना कहो लेकिन वैसे क्या हुआ भाई इनके नगोले हो अच्छा सुना चार लाइन भूमिका गाना का बता उठा के सर जा हो
तोनो के बचावत रह लिया। अच्छा सुना कौन कौन तर्जवा कर कि हो गया दूषित सामाजिक परिवेश भी, हो गया दूषित सामाजिक परिवेश भी, अरे खोई इंसानियत आई कैसी घड़ी है, आज मानव का जीवन सलामत नहीं, अरे हाथ ले खून खंजर कयामत खड़ी है। अरे प्रभु तू ही सबका मददगार है, अरे प्रभु तू ही सबका मददगार है, कर भरोसा तेरा कोई रोता है क्यों, अरे बेकसूरों की काया सनी रक्त में, तेरे दरबार में ऐसा होता है क्यों। एक तर्जमा कि अरे सुना है मैंने मैं खाने का, कि अरे सुना है मैंने मैं खाने का, अरे नाम बदलने वाला है, कि अब नाम बदलने वाला है, अब खोल के बोतल रख दे सामने जाम बदलने वाला है, खोल के बोतल रख दे सामने जाम बदलने वाला है। लेकिन एक एक लाख रुपए की बात होगा कि गांधी का या जादू वतन अब, कि गांधी का या जादू वतन अब, अरे गलत में गिरने वाला है। देखा हम एकदम गरमा जाते दुई लाइन बोलत में तिकुली सबके ना निकले गए तो सब जाना थे, लेकिन इतनी बतिया जगह का सुना। कवि जी लिखे हैं कि अरे गांधी का या जादू वतन अब, अरे गर्तन गिरने वाला है, और सत्य अहिंसा का सुंदर व्यवहार बिखरने वाला है, सत्य अहिंसा का सुंदर व्यवहार बिखरने वाला है, सत्य अहिंसा का सुंदर व्यवहार बिखरने वाला है, सत्य अहिंसा का सुंदर व्यवहार बिखरने वाला है। गांधी का आजाद वतन अब गर्त में गिरने वाला है, और सत्य अहिंसा का सुंदर अब हार बिखरने वाला है। ठीक है शुरुआत होगा कि अरे धन के लालच में मानवता का लोप हो गया, सुन ला कि धन खातिर दहेज खातिर तीन छह लड़की फांसी लगा के मर गई, हम दहेज के विराग कम गाइला, के विराग कम गाइला, ए लिए कम गाइला कि जब से गवैया गाँव लगल दहेज न लेवे के चाहिए, आ तब से दहेज और बढ़ गए। इंटर लिंटर 10,000 बीए बोरिंग 20,000 एमए ट्रैक्टर 30,000 हो गए, तो ये लोग रोज रोज कहलन कि भैया लोगन दहेज मत ला, ऐसा नहीं कि कुल फांसी लगा के लड़की मर जाते हैं, ये तरह दहेज जाई। चिलाया जमगर पुरानी कोतवाली पास में, चिलाया जमगर पुरानी कोतवाली पास में, रहते थे हीरा सेठ रईसों की रास में। आजमगढ़ सर पुरानी कोतवाली पर हीरा सेठ एक बड़े कुलीन परिवार के, अच्छा परिवार के, लेकिन कहीं कहीं देहात में आप देखेला एकाठ परिवार ऐसा होला कि जय गुरुदेव के इतना काफी भक्त होला कि श्रद्धा निष्ठा के साथ जय गुरुदेव के मानेला, यहाँ तक कि सब कुछ रहते हुए उनके पूरा परिवार के लोग है टटवा सिया सिया लोग पहरे लगे, इतना गर्मिया में टटवा सिया सिया पहरी है, केवल भक्ति हो जय गुरुदेव के। तो अब सुना कि लखनऊ में जय गुरुदेव का लगा था सम्मेलन, देखा सवेरा हो गल बा जाए के टाइम हो गल बा, लेकिन अब शुरू कर दिली तो 10 मिनट समय लेवे के सुनी के जाया, बड़ी दर्दनाक बात है, नया चीज बा। लखनऊ में जय गुरुदेव का हुआ था सम्मेलन, गए थे हीरा सेठ भी देखन को आयोजन, लेकिन वो परिवार के कौन कौन लोग वहां गल ललन जय गुरुदेव के सम्मेलन में लखनऊ, ये सुना कि पुत्र पत्नी बहु भी थे जिनके साथ सभी, बहु के गोद में एक बच्चा था नादान, ये भी उनका एक जवान लड़का और हीरा सेठ के पत्नी
जवान लड़का का पत्नी और ओकरे गोद में फतोहिया के गोदवा में एक छोटा सा मुन्ना जो उनकी 2 महीना का रहल और अम्बेसडर से गए थे। जब गुरुदेव का सम्मेलन जब समाप्त हुआ मेरे दोस्तों तो उधर से लौट रहे थे 4 बजे शाम को, वहां से इनकी अम्बेसडर चली है हीरा सेठ लखनऊ से कार से लौटे थे। हीरा सेठ लखनऊ से कार से परिवार साथ सफर कट रहा था प्यार से। आ रहे थे अम्बेसडर से लेकिन रतिया जब भइल हो 2 बजल हो तो रास्ता में एक वीरान जगह पड़ल जहाँ 2-4 कोस में कोई गांव गिराव नहीं और अगल बगल में झाड़ी जंगलात। तो वहां एक घटना घटल तर्ज एक नई नई बा कर बढ़ा के दे दान और थोड़ा सा बढ़ा के तर्ज बा कि अरे चढ़ली जवानिया लहरे कि अब चढ़ली जवानिया लहरे अरे गंगा जी का पानी अक जी अमोर मानत नाही दर्द कोई जानत नाही। नहीं तर्ज हो ना गौले रहला नहीं नहीं ना सुन ला कि चढ़ली जवनिया लहरे अरे गंगा जी का पानी अक जी अमोर मानत नाही दर्द कोई जानत नाही पिया भी न रहा लो न था पिया मोर मानत नाही दर्द कोई जानत नाही पिया भी न रहा लो न था पिया मोर मानत नाही दर्द कोई जानत नाही पिया भी न रहा लो न जा। तमाम कैसे रिकॉर्डिंग सिधारी आजम करते 5 पुरस्कार नमस्कार प्रणाम बा। लेकिन तरी घटनवा का घटली सुना कि अरे बीचा डहरिया घेरल अरे काला अत्याचारिया की घटना महान भैली झुमिली अरमान भैली की घटना महान भैली झुमिली अरमान भैली अरे दुख का बदरवा घबराए की घटना महान भैली झुमिली अरमान भैली दुख का बदरवा घबराए की घटना महान भैली अरे झुमिली अरमान भैली दुख का बदरवा घबराए। अरे बस खारी चट्टी से जब आगे बढ़ी गड़िया अरे बस खारी चट्टी से जब आगे बढ़ी गड़िया हे अरे घड़ी 2 बजाती रही रात का पहरिया तक खफा हुई कुदरत की टेढ़ी भई नजरिया की घटना महान भइले झुमिली अरमान भइले की अरे दुख का बदरवा घरा। खारी चट्टी बस खारी कस्बे से जब ही गाड़ी आगे बढ़ल हो 2 कोस के बिरान टापू 2 बजल रात के एक तर्ज है और तर्ज वह मिली एकदम नई नई बात तर्जुबा तनी दे दा स्वरदा हाय फिल्म का नाम बा कलयुग का रामायण और तर्जुबा कि प्यार मेरा ना चोरी करके अरे ये पश्चिम के चोर रे चलो भाग चले चलो भाग चले पूरब की ओर चलो भाग चले पूरब की ओर चलो भाग चले पथ पर लहराती थी अरे कार मचाती सूर रे रही खामोश रजनी भी भोर ऐसा स्तब्ध हो एकदम सन्नाटा चारों तरफ मैदान हो कोई बात नहीं यार पुरस्कार। अब सुना कि सड़क के अगल बगल बंजारे बैठे थे घात लगाई की जौने रोडवा से अम्बेसडर इन लोगों का आवत है वही अगल बगल में झाड़ी में छठ बंजारा यहर और छठ बंजारा यहर कि सड़क के अगल बगल बंजारे बैठे थे घात लगाई की अरे बिछा दिए थे रोड पे पापी अरे बिछा दिए थे रोड पे पापी पट्टे में कील चुभाई की ये जोन पट्टा ट्यूबवेल में चलेला वही पटवा में बिरंजी खोस खोस के सड़किया पर बिछा दे ले रहे सब पटवा के। अब पहुंच पास में पंचर हो गई अरे चुभ गई कील कठोर रे रही खामोश रजनी विभोर गाड़ी जब क्रॉस कर चल कील धसल
टायर में गाड़ी पंचर हो गई और जब अम्बेसडर रुक गए तो वो अम्बेसडर में 5 आदमी रहन, कौन कौन, हीरा सेठ उनकर पत्नी, उनकर पतोह, पतोह के गोद में छोटा सा बच्चा और ड्राइवर और पतोहिया का पति, कहे का मतलब हीरा सेठ का लड़का। और जब गाड़ी रुक गई वीरान स्थान पर तो सबका जीव घबराए लगल, तो हीरा सेठ ड्राइवर से कहलन, का कहलन, एक थे तर्ज बान तर्ज के धोबियाऊ तर्ज कह जाए कैसे कि गोरखपुर की गली गली में चुड़िया रोज बिकाए रे, गोरखपुर की गली गली में चुड़िया रोज बिकाए रे, अरे गोरखपुर की गली गली में चुड़िया रोज बिकाए रे, अरे पहिरन वाली पतारी कमरिया लटकत जाए जेकर, अरे पहिरन वाली पतारी कमरिया लटकत जाए जेकर, बहिया रसीली चुड़िया चुभक 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 जाए जेकर, बहिया रसीली। ये समा रिकॉर्डिंग सेंटर सिधारी चौक आजमगढ़ से। अब सुना कि कहे सेठ ड्राइवर से कैसन गरिया रुकलवाए हो, ही अब कहे सेठ ड्राइवर से कैसन गरिया रुकलवाए हो, अरे अखिया फड़ के जीव घबराला, अरे असगुन भारी जना तनी, देखा उतर के जीवा मोरा बाडे रात तनी, देखा उतर के जीवा मोरा बाडे रात तनी, देखा उतर के जीवा मोरा बाडे रात तनी, देखा उतर के जीवा मोरा बाडे रात। हीरा सेठ का बात सुन करके ड्राइवर दरवाजा खोल करके नीचे उतरल हम बेस्टर से और सड़क पर उतर करके और जब चक्का के देखे कहे पंचर हो गई गाड़ी, तो यहाँ के तर्ज कभी देखल घटना घट गई तर्ज बा कि बीड़ी पी के धुआं उड़ालू पान खाए मुहलाल, जमाना तो हरैबा जमाना तो हरैबा, अरे अगल बगल में हैया रे अगल बगल में हैया रे अगल बगल में खोसल हो रुमाल, जमाना तो कि अरे कार के नीचे ड्राइवर उतरा, अरे देखन लगा निहार मार धोखे की बात, कार के नीचे ड्राइवर उतरा मन में करत विचार मार धोखे की बात, अरे कार का चक्का यार कार का चक्का यार कार का चक्का देखन लगा निहार मार धोखे की बात, हर कार का चक्का देखन लगा निहार मार धोखे की बात, यार पहुंचे तबले बाढ़ पापी हाथ लिए हथियार मार धोखे की बात, कि अरे पहुंचे तबले बाढ़ पापी हाथ लिए हथियार मार धोखे की बात, आ ड्राइवर का सिर जबरी लिए उतार मार धोखे की बा। ए भैया छठे यार से बंजारा निकलन, वही झड़िया में से छठे इधर से निकलन, एक एक दाव ले ले रहन और मार धलन ड्राइवर का गर्दन कट गल, और जब ड्राइवर का गर्दन कट गल बाबूजी एक तरफ मुड़ी एक तरफ लाश छटके लगल, अम्बेसडर के दरवाजा खोल करके हीरा सेठ के खींच लेलन सब, हीरा सेठ के अम्बेसडर से बाहर खींच करके कैलन का कि अरे गरिया से खींच लिहल सेठ के कसैया, गरिया से खींच लिहल सेठ के कसैया, काटे है नतैया जबरी से, गरिया से खींच लिहल सेठ के कसैया, काटे है नतैया जबरी, सेठ के पकड़ करके और उनका भी नटई काट धन सब, एक तरफ मुड़ी एक तरफ धर छटपटात बा। अब वो गाड़ी के अंदर कौन कौन बचलन की सेठ का एक लड़का और ओकर औरत जकरे गोद में छोटा सा मुन्ना और वो लड़कवा का मतारी, और एकरे बाद का कहन सब पापी बार हो कि अरे गड़िया में बचल जवान सेठ का लला नवा, जबरी से खींच के पापी कटल गर्दनवा, अरे रोवत रह गईली माता अलू गैया, काटे हैं नटैया जबरी से। अब देखें सेठ की लड़का के भी सब काट दलन, एक तरफ तीन तीन लाश
अब वो गाड़ी के अंदर केवल दुई औरत बचली, सास और पतोह। पतोह के गोद में छोटा सा बच्चा 2 महीने का। अब देखा यहाँ बड़ी दर्दनाक बात मिलल भयल का, कि जब दुई औरत केवल बचली तब सप्ताह कैलन है पापी बारहो। तनिक भैया गरिया 10 मिनट रुक जा, रुक गया बैठा भैया रुक के अंदर। वो अम्बेसर के अंदर बाबूजी केवल दुई छह औरत और छोटका मुन्ना पतोह के गोद में, लेकिन निर्दयी पापी एक बात का कैलन है। बाप योरा बेटावा के आरे कौरा लासिया हो, हर जबरी से लुटी लिहले तन का गहनावा। बाबूजी अम्बेसर के अंदर केवल दुई औरत, गहना सब उतरवा लेलन, सब रुपया पैसा नगदी जितना सब लूट लेलन। और ये सब लूटले के बाद का कहलन बाबूजी, खिगोदिया से खींची लिहले अरे छोटा का लाला नावा की, गोदिया से खींची करके छोटा का लाला नावा की, अरे रोड पर पटकी दिहले आल्हारा सुमनावा। नई नवेली पतोह के गोद से 2 महीना का बच्चा सब खींच लेलन, और खींच करके पैर पकड़ करके जोर से बाबूजी सड़क पर पटक दहलन सब। जब सड़क पर पटक दहलन है और वो छोटा मुन्ना जो पतोह रहल अम्बेस्टर में बैठल, ओकर बाह पकड़ करके और बारहो पापी खींच करके कहाँ ले गईलन है बाबूजी, ई सुना कि झाड़ी में ले जाके पापी, अरे झाड़ी में ले जाके पापी, अरे नंगी करला चाहे, अरे इज्जत लूटे खातिर खींच तन कबसनावा। खींच करके पतोह बिचारी के झाड़ी में ले जा करके, और जब शरीर से जबरदस्ती कपड़ा सब उसके साथ बलात्कार करे बदे उतारे लगलन है, वो समय रो रो करके नई नवेली दुल्हन कहा कि भैया साया साड़ी फाड़ी दिहले, रो रो के कहा कि भैया लोगन सब कुछ तो लूट लहला, हमारी इज्जत केवल बचल है जतिया, कम से कम छोड़ दे, हमार सुहाग लूट लहला, हमारे ससुर के मार दहला, हमार बेटवा गोदी से छीन लेला। भैया अब केवल जतिया तो रह गई, जवन गहना सब कुछ लेला रुपया पैसा सब कुछ लेला, लेकिन जतिया छोड़ दा। लेकिन निर्दयी पापी सब औरत के साथ कौन सा व्यवहार कैलन है कि साया साड़ी फाड़ी दिहले, अरे बनल कसैया नीचे, अरे रोवली बेचारी जेकर नंगी बाबदनावा। एकदम औरत के निवस्त्र कर दहलन सब, उस औरत को निवस्त्र करके, और जब जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटना चाहते हैं बाबूजी, तो उस समय रो रो कर दुल्हिन बारहों से कहत बका कि अरे सुनबा सुनबा भैया हमारे इज्जत के लुटेरावा हो ना, अरे भैया जानी लूटा हमारो धारा मावा हो ना, भैया जानी लूटा हमारो। लुटला सुहाग मोरी अरे लुटला सबुधनावा, भैया लुटी लिहला गोदी कैला लनावा हो ना। लेकिन इतना कहले के बाद भी पापी सब का कैलन हो कि लेकिन कसाई अनके अरे दया नहीं आई ली हो ना, कि अरे नहीं माने पापी अबला का कहना हो ना। का कैलन सब कि अरे कसाई अनके चंगुल में बिला खेली गाया हो ना, आज जबरी पारी पारा लूटे जबरी पारी पारा बुझाए आरा मनावा हो ना। रुक
हो गईली, अरे बेहोश करता ना होना। आ कैसे प्रभु ले तोहरा कोई ना मावा होना। बेचारी बेहोश हो गई, बेहोश हो गई, शरीर रक्त रंजित लहू लुहान, लुटेरे तो भाग गए, लेकिन कभी जब थोड़ा सा मारी भाव दहलन का कि अरे लुटला धरमवा, अरे लुटला सुहाग, अरे बिलखली गाइया, अरे बिलखली गाइया, कसैया चल रे भाग, बिलखली गाइया भाग। ये सब घटना घटते घटते 4 बज गए बाबूजी, और 4 बजे भोर के टाइम कुछ रात रहल तबले का भयल कि अरे कानपुर वाली बस आई तो ने जुनिया हो, आई तो ने जुनिया हो, आई तो ने जुनिया हो, आई तो ने जुनिया। अरे बीरत पड़त गैली रोड पर दुल्हनिया हो, रोड पर दुल्हनिया हो, रोड पर दुल्हनिया हो, रोड पर दुल्हनिया। थोड़ी देर के बाद जब होश में शरीर भइल हो, किसी तरह से झड़ ढमलात लड़खलात रोड पर पहुंचल पतो, वो औरत पहुंचल कानपुर वाली बस 4 बजे भोर में आ रही थी कानपुर से। आ जब वो सामने से गुजरल हो तहतवा उठा के कैली, अरे सहायता का मांग, बिलखली गाइया, अरे बिलखली गाइया, कसैया चल रे भाग, बिलखली गाइया, चले भाग। ए भैया सुना भैया का कि अरे बस को आते हुए देख करके वो बोला हाथ देती है। आ जब हाथ देखले देहले तो सभी लोग 4 बजे भोर में बस में सो रहे थे, लेकिन 2 पुलिस के जवान जो ड्यूटी पर रात में बस में चलते हैं बाबूजी, वो जगे थे। किए क्या कभी तेरी देहलन, अरे पापा हाँ तेरी बा, कि अरे लहू की जब दिवाली जल गई, अरे ममता कांप गई, ये कवर सिंदूर कैलाली, अरे कवन भैली दुनिया में बुराई आ गई रोवली, अरे बिना भवर में, अरे बीच भवर में नैया बिन खेवई आ गई रोवली, भैया भाई सुना असली निचोड़ बात यही जबा। अब जब सुनबा की उबार हो कौन रहलन, जब सुनबा की उबार हो कौन रहलन का नाम जब भेद खुली से आप लोग दंग रह जाइबा। बारह कौन रहला भाई तो कहानियां हाई सुना कि उसी बस में ड्यूटी पर पुलिस के 2 जवान हो, आ तुरंत बस को रोकवाए हैं माजरा को जान हो, दृश्य देख कर दंग हुए देखवैया गैया रोवली, अब व्योम व्यथा में रोव धरती मैया गैया रोवली। बारह रहला कौन, अब भेद उनके कैसे मिलल पकड़ेलन सब कैसे हाई देखा जीव बात हो का भयल कि अरे कितना बेदर्द बाटे कलयुग का पहाड़वा, अरे बंसी के बजैया कहाँ गईले भगवान, अरे कबले अत्याचार सही है हिंद का धरतिया, अरे धर्म भारी रहो हमारे देशवा महान, ए बाबू बस खारी पुलिस चौकी गई ले जब खबरिया, अरे ऐला दरोगा ले सिपाही गुड़वान, अरे कैला निरीक्षण तुरते घटना या स्थल कहे, अरे सील बंद कर रहे लसिया को श्रीमान, अरे आ जंगल कोतवाली पहुंची जबकि तीनों लसिया, अरे मचा को हराम है शहर दरम्यान। वो परिवार में 3 आदमी बचलन, वो छोटका लड़कवा कभी दवाई भेल तो भी बच गल, पतोहिया भी का जान बच गल और बुढ़िया के जान बच गल, और सब तो पापी खत्म कर दे ले रलन। अब सुना कि अरे पपियन का पकड़े का हो गईली तैयारिया, अरे हुए सब उत्तेजित जब पुलिस के जवान, अरे
हुए सब उत्तेजित जब पुलिस के जवान भेद कैसे लगल कि एक ठाकुर से रहल जानकारी पपियन के एक ठाकुर से रहल जानकारी पपियन के अरे संगावा में करते थे मांस मदिरा पान बसखारी कस्बवा से थोड़ी दूर जंगलात में झोपड़ी बनाकर झोपड़पट्टी बनाकर के उ सब रहत रहलन तो दिनवा में खाए पिए वाला धंधा करें कि अरे दिनावा में करते थे धंधा खाए कहे अरे रतिया में करते डकैती महान हर बार घूम करके ये बाजारी वो बाजारी दिन में वो सब दुकान दौरी करें खाए पिए वाला धंधा शुरू के ले रहे लेकिन रतिया के वो सब डकैती पर है कतल करें जितना भी घटना वो क्षेत्र में जितना भी बस लुटाल सब वह सब लुटलन लेकिन वो कौने रहलन तेन हाई सुना एक ठाकुर साहब जौने जहां इस सब मैदान में झोपड़ी बनाकर रहते रहन सब बेड़ा डालकर वही बगलिया में एक ठाकुर साहब का पलानी रहल और वही पलनिया पर ठाकुर साहब रहा कुछ गाय भैंस रख करके और वो सब कहा करे कि ठाकुर साहब से कुछ उनका व्यवहार रहल रोज बुला बुला के जब मांस मदिरा ये सब पिया खाए कलिया मुर्गा इत्यादि बनाकर तो ठाकुर साहब को बुला करके साथे साथे खा खियावा पियावा एक दिन ठाकुर साहब ने पलनिया में सुत्ता लल जाई घटना घटो करे बिहनवा बोले सवेरे कर एक आदमी से कहल कि जा तनी फलनवा को बुला लिया वा तो वो कहल कि जा ठाकुर साहब से कह दा कि अभी रात के जागल ही थोड़ी देर के बाद आई तनी सूत ले तब और एक तरफ मुर्गा बना था एक तरफ शराब छनत हो ए भैया ठाकुर साहब कहें कि ये भाई कह तक कि रतिया के जागल हैं और सूत के आई तो ठाकुर साहब सोचल कि सब रतिया के का करल कि जागल है रतिया कही सोचल कि हो न हो रतिया वाली घटनामा यह सब नाना करल घूम घूम के अब ठाकुर साहब के शंका हो गई और जब ठाकुर साहब के शंका हो गई तो कवि जी लिखलन का लिखलन कि अरे पापियों के जुर्म से जमाना रो पड़ा अरे चौबीस मातम छाया खुशियों का चौबीस मातम छाया खुशियों का तराना रो पड़ा अरे गुप्त रूप ठाकुर साहब भेदवा बताए अरे गुप्त रूप ठाकुर साहब भेदवा लगाए बोला के पुलिस उन सबों को पकड़वाए तो पापियों के पाप का पैमाना रो पड़ा। ठाकुर साहब गुप्त रूप से थाना पर खबर देलन दरोगा साहब सिपाही लेकर पहुंचेलन है और सबन के घेर लेलन और जब सबन के घेर लेलन पकड़ करके इंक्वायरी कैलन है तो उन सबन के पास से नगद कैश 5 लाख निकलल 420 घड़ी निकल ली और वो सब कबूल कैलन कि हम लोग जितना भी इधर बस जायल है क्षेत्र में सब बस और डकैती का हम लोग कैलिन जा सब डकैती जितना कतल बल सब लोग हम कैलिन जा ये बस के चोरी हम लोग कैलिन जा बस के रोका रोका के लूट लीन जा और पकड़ करके सबहन के दरोगा जी जब ले गेलन थाने पर तो उनके साथे कुछ औरत भी रही काम करवाली और तेनों तो पकड़ के ले गेलन और टांग करके पेड़े में नीबी के देखे वाला जा करके देखे पेड़े में टांग करके औरतन के साथ बहुत बुरी दशा करके दरोगा और सिपाही मार के भेद पूछलन कैसे मरलन कि पपियन के रहली जतनी औरत पपियन के संगवा में और मारा पुलिस रोल पे सगुप्त अंगवा में सब कबूल कैलन सब डकैती कबूल कैलन सब धन बरामद हो गए लेकिन कबूल अपने के का कैलन सब कि अपने को स्वीकार किए ये ना कि अपने को स्वीकार किए वो सब उग्रवादी कहां 12 जिलों में फैले हम सब करने को बर्बादी अरे लिखते कभी कयासिया नारो पड़ा और 14 मातम छाया खुशियों का तराना रो पड़ा से और आप लोग का विचार होते ये गाना और उधर से सुन ला एक बार तब जाया करी गुरु गणेश सुनैन से आता पानी रामलाल गुरबच्चन चंद्रिका की रुक गई कहानी लहू की जब दिवाली जल गई अरे बेचन कवि मुसाफिर रक्षक मैहर वाली लहू की जब दिवाली जल गई चरण में बात नमस्कार।